जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की सत्ता प्रतिष्ठित होने लगती है, तब तब साधु जनों की रक्षा, दुष्टों के समूल विनाश तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विविध रूपों में अवतरित हुआ करते हैं। द्वापर युग की बात है। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए। वे स्वयं तो अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, किंतु उन्हीं का पुत्र कंस बड़ा ही क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी निकला। उसके भय से धरती त्राही त्राही कर उठी। कंस के ही समान अन्य अनेक अततायुओं का बोझ धरती के लिए और भी दुसह हो गया था। गौ का रूप धारण कर वह देवताओं के साथ भगवान की शरण में पहुंची। दीनवत्सल भगवान ने धरती को दुष्टों के बोझ से मुक्त करने के लिए अवतार लेने का निर्णय लिया। कंस को अपनी चचेरी बहन देवकी से स्नेह था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। कंस स्वयं देवकी वसुदेव को रथ में बैठा कर पहुंचाने ले चला। रास्ते में ही वह था कि आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न आठवां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव ने समझाया, तुम्हारा शत्रु देवकी नहीं, उससे उत्पन्न पुत्र ही तो होंगे। मैं इसके सभी पुत्र तुम्हें सौंप दिया करूंगा। कंस मान गया, किंतु वसुदेव देवकी को उसने वापस लाकर कारागार में डाल दिया। देवकी के क्रमशः 6 पुत्रों को अततायी कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में अनंत भगवान से जी को आना था। परमात्मा प्रभु की इच्छा से योग माया ने देवकी के उस गर्भ का संकर्षण कर उसे वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया, जो कंस के ही भय से गोकुल में नंद जी के यहाँ रहती थी। अब 8वें गर्भ के रूप में देवकी ने साक्षात परम पिता को धारण किया। देवता लोग अपने अपने लोकों से आकर गर्भवास कर रहे परमात्मा प्रभु की स्तुति करने लगे।